अवामी हमांगी के फरोग के लिए भी काम किया जा सकता है। उधर कराची आर्ट्स काउंसिल में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस वक्त मौजूद है कराची आर्ट काउंसिल में, जहां मेरे अतराफ में आप देख सकते हैं नेशनल विमेंस डे के मौके पर खुसूसन खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए और उनकी तमाम काविशों को उजागर करने के लिए खूबसूरत रंगारंग मेला सजाया गया है, जहां खाने से लेकर हर तरह की खवातीन की तमाम काविशों को उजागर किया जा रहा है। साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर MNA शाहिदा रहमानी साहिबा, जो कि पीपल्स पार्टी की विमेन विंग्स की मेन मेंबर भी है, और मेन डिटेल भी हमें इसके बारे में सारी बताएंगी कि क्या हो रहा है आजकल, खवातीन को एम्पावर किस तरह किया जाएगा, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, आज मैं समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा ऑनर है कि 12 फरवरी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान में रहने वाली खवातीन के लिए कौमी दिन करार दिया था। आज का दिन सेलिब्रेट करके हम उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। तमाम खवातीन आज जहां जमा हैं, और यही वो एक लीडर का विजन होता है कि किस तरीके से खवातीन के लिए काम किया जाए। जी, जब हमने सुना कि खवातीन को तालीम से लेकर हुनर तक की तमाम तरजेवरात से आरास्ता किया जा रहा है, कि क्या सोचते हैं वो खवातीन के हवाले से कि आज खास तौर पर इस दिन कि जब खवातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है, तो तब खवातीन को तालीम के साथ साथ और कौन कौन से हुनर सिखाए जाने चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह खत्म करना चाहिए। हमने आज यहाँ पे स्टॉल लगाए, स्टॉल इस वजह से लगाया है क्योंकि ऑक्सफैम ने हमें ये चांस दिया है, और हम बेसिकली सिंधी हैं, तो हमारा लिंक जो है हैंडीक्राफ्ट से, और हमारा अपना बुटीक है। हर आने वाले से लेकर यहाँ स्टॉल लगाने वाले तक हर कोई इस इवेंट को पसंद भी कर रहा है और चाहता है कि ऐसे इवेंट कराची में होते रहें, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, खवातीन को एम्पावर करने के लिए, चाहे PSP हो, PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, हर कोई खवातीन को एम्पावर करने के लिए पुरजोश नजर आता है, और यही सारी काविशें इनकी मेहनत को सराहती भी है, और दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसी तरह इतने खूबसूरत जज्बात के साथ सजाया जाए, पाकिस्तान की खवातीन को एम्पावर किया जाए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ा लिखा माशरा बना सकती है। कैमरामैन अदनान कुरैशी।